नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। दोस्तों, यहां पर चुटकी में दो नंबर पक्के हैं आपके यहां पर बिल्कुल, क्योंकि योग रूढ़ और रूढ़ यौगिक से दो क्वेश्चन आपके हमेशा यूपीटेट में मिलते हैं। आप एक बार पिछले प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मैं टेस्ट पेपर लगाऊंगा, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ सर, हम प्रश्न जो है बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है और मरते दम तक नहीं भूलने वाले हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पर मैंने जो चीज लिखी है दो लाइन में, जो आप ये आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको ये बिल्कुल तय हो जाएगा। इससे पहले बता दें आपको कि यहां पर यूपीटेट गणित का परसेंटेज भाग से लेकर हर वो लेवल जो आपका कमजोर है, जिनके जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, गुरुजी वर्ल्ड पर ऐसा प्रयास है कि सभी को इस बार अच्छे मार्क्स से पास करना है। अगर ऐसा आपको नहीं लगता है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, चेक करिएगा। मैंने आपको पर्यावरण से लेकर देखिएगा, चार चार दिन नहीं होते हैं, एक एक लाख व्यूज बच्चे देख रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं। तो सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी यूपीटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए, आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं एक सीट आपकी सरकारी विद्यालय में। हम 1000 क्वेश्चंस का टारगेट रखे हैं कि मैथमेटिक्स में आपका एग्जाम के पहले जरूर हो जाए। तो प्लेलिस्ट रोज चेक करते रहिएगा, देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और एक घंटे पहले आप एग्जाम के बस रिवाइज करके चले जाना, वो भी जरूरत नहीं है। देखिएगा, खैर आप कहोगे लिखने की भी सर नहीं जरूरत है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। रूढ़ शब्द देखिएगा, रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं सर? आप कहोगे तीन, एक रूढ़, एक होता है यौगिक और एक योग रूढ़। तीन शब्द, तीन की डिटेल पढ़ेंगे, साथ में टेस्ट लगा लेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट। देखिएगा, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? बे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड नहीं होता है, मतलब अगर कोई टुकड़ा है इसका कोई भी खंड ना हो, अगर ये खंड हो भी तो इसका कोई मतलब ना हो, ये प्रायः दो शब्द से बने होते हैं। अब इसमें भी कोई पहचानने की कोई दिक्कत है? ये दो शब्द के होते हैं प्रायः, ठीक है ना, और इसका अगर भाई खंड कर दोगे तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जैसे कैसे सर, आप कहोगे तो चलो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन हमें एग्जाम्पल तो दो। तो आप लिख लो, जैसे मोल है, तोल है, ये दो ही शब्द हैं, गधा, पर, कल, कुछ भी हो, या ढाई शब्द हो, ठीक है, लेकिन तीन शब्द हो, लेकिन उनको जो है तोड़ के आप जो है ये नहीं कह सकते हो कि उसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कल है, ये कल है, तो इसको हमने का धन ला संधि विच्छेद करके देख लो कि या क्या इसका अर्थ निकल रहा है, क्या इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे हमने विद्यार्थी लिया, देखो विद्यार्थी, ठीक है ना, विद्यार्थी में हमने जब किया तो विद्या धन अर्थी, तो विद्या का अर्थ निकल रहा है, तो यानी ये शब्द नहीं होगा रूढ़। तो रूढ़ शब्द यानी क्या होता है? जिनका अर्थ तोड़ दो तो उनका खंड नहीं होता है, और खंड होता है तो उनको देखो भाई कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। तो याद हो गया, मोल, तोल, गधा, पर, कल, एकदम से आप पहचान लोगे टेस्ट पेपर में, जैसे ही आप देखोगे कि सर ये तो भाई रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द लिख लेना, योग नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखा है? ये प्रायः दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जिनका कोई भी सार्थक खंड नहीं होता है, वो प्रायः दो शब्द से मिलकर बने होते हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? ये वे शब्द हैं जिनका खंड का मतलब सार्थक होता है। ये यौगिक शब्द दोस्तों बिल्कुल उल्टे होते हैं किनसे? रूढ़ से। कैसे? आप कहोगे सर कैसे, आप बताओ कि यौगिक शब्द जो होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते थे? जिनका कोई भी खंड ना हो। यौगिक शब्द वो होते हैं कि अगर आपको एक अर्थ दे दिया जाए, जैसे विद्यालय दे दिया, तो विद्यालय में आप कहोगे सर विद्या भी है और आलय मीन्स होता है घर, तो विद्या धन आलय। आप कहोगे सर देवर्षि है, देव धन ऋषि। आप कहोगे सर देवालय है, देव धन आलय, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अर्थ जो आपको बड़ा लगे और उनका संधि विच्छेद हो जाए और उनका एक अर्थ निकले, ठीक है, तो वहां पर जो है यौगिक शब्द हो जाता है, और अर्थात जिनका टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो आप ये जानते हो कि यौगिक शब्द वही है जिनको तोड़ा जा सकता है और जिनका कोई अर्थ निकले, समझ रहे हो ना। टेस्ट लगाएंगे, आप एकदम से कहोगे कि वाह क्या बात है। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों यहां पर योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ शब्द वो शब्द है कि भैया जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है। भाई जो हम व्याख्या अगर कर दें तो उनका अर्थ निकल आता है, लेकिन क्या होता है, वो ऐसा अर्थ निकलता है जो सीधे तीसरे अर्थ पर जाता है, तीसरे बंदे पर जाता है। जैसे अपन लोग बहुपरी समास में नहीं करते हैं, तो क्या होता था कि जैसे हमने कहा कि दशानन, तो बोले कि दस सिर हैं जिसके, अर्थात रावण, है ना। तो यहाँ पर बोलता है कि संपूर्ण अर्थ किसी अन्य अर्थ पर प्रकट करें, योग रूढ़ अर्थ कहलाता है। तो योग रूढ़ जो है भैया क्या होता है कि अर्थ ऐसी व्याख्या करो कि जो शब्द जो है तीसरे पर चला जाए, तो वही होता है योग रूढ़। जैसे कि
कि लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स आप जानते हो पेट, तो यहाँ पर जो है लंबा है उदर यानी जो है गणेश जी हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर एक बंदा और आ गया जो गणेश जी भगवान जी आ गए। यहाँ पर दशानन यानी 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण, ऐसा कोई जिक्र है यहाँ पर रावण का, लेकिन नहीं, लेकिन अर्थ हमारा वही निकला जाके, है ना, तो योग रूढ़ हो गया। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो कहीं पर शिव है लेकिन नहीं सर, लेकिन व्याख्या करा तो हमारा वही निकला। जैसे पंकज आ जाए, पंकज बहुत पूछा जाता है, पंकज यानी जो है कीचड़ में उगने वाला, अर्थात कमल, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, आप इसको रूढ़ मत मारना, ठीक है, याद रहना। आप देखो नीचे एक नोट लिखा है कि सभी योग रूढ़ शब्द बहुब्री होते हैं, बहुब्री समास होते हैं, ठीक है, बहुब्री समास यही तो कहता है कि भाई जो किसी अन्य की व्याख्या करे तो वो हमारा जो है हो जाता है योग रूढ़ या बहुब्री समास, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेस्ट लगा लेते हैं। जैसे पहला जो है टेस्ट पेपर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द का मतलब बताया है जिनके टुकड़े ना हो और जिनके दो शब्द हो, प्रायः होते हैं, और अगर तीन शब्द भी हैं तो टुकड़े का कोई मतलब ना हो। देखो चित्रात्मक, चित्रधन आत्मक हो जाएगा, चित्रित भी हो जाएगा, चित्रधन ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन चित्त का ना तो ची बनेगा ना ता बनेगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप सर कहोगे चलो ठीक है नहीं समझ में आया, आप सर कहोगे इसमें बता दो एक योग, एक रूढ़ शब्द, तो आप कहोगे रूढ़ शब्द वो होता है जिसके टुकड़े ना हो, और हमें तो सर ने ये बताया है कि जिस जो प्रायः शब्द जो है दो या ढाई अक्षर का हो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखिएगा कि नवीनता का हो जाएगा, निस्वार्थ, निस्वार्थ भी हो जाएगा, भ्रातृत्व भी हो जाएगा, लेकिन जा धन या ना तो जा का या का मतलब है ना तो जा का मतलब है, तो यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक और रूढ़ शब्द ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है, समानांतर, समान धन अंतर, वलशाली हो जाएगा, ठीक है ना, पुरुषोत्व भी हो जाएगा, और तथा में ता धन था कोई निकल रहा अर्थ, आप कहोगे सर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूढ़ शब्द भाई डी ऑप्शन में है। अब चलते हैं यौगिक शब्द, मैंने कहा रूढ़ का उल्टा यौगिक होता है, तो भाई निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है, तो यौगिक वाला क्या होता है कि भाई जिसको हम तोड़ दें और उसका अर्थ भी निकले। तो यहाँ पर देखो कि वृक्ष, तो भाई वृक्ष में आप जो है इसको तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा रूढ़, तो ये भी नहीं है। अंग, ये भी आधन का, तो ये भी रूढ़ हो जाएगा, यौगिक पूछा है, जबकि सागर में भी हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यौगिक जो है सागर में क्या होता है, सागर का भी अगर साधन गर कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, लेकिन अति यहाँ से जो है अच्युत, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा और यहाँ से आपका कहेगा कि भैया यही यौगिक शब्द है, ठीक है ना, और इसमें जो है एक ना एक अर्थ आपको प्रकट करेगा। अब यहाँ पर चलो ठीक है सर आपने बता दिया, चलो यौगिक एक और ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि सर यौगिक शब्द बता दो, यौगिक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ जो है निकले जो रूढ़ शब्द के उल्टे होते हैं। जैसे खीरा क्या होगा, आप कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि खीरा में अगर आप देखेंगे खी धन रा तो दोनों अर्थ नहीं निकल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। कटु में भी का धन टू कोई भी अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर भी रूढ़ जो है आपका निकलेगा। कल भी मैंने बताया आपका रूढ़ हो जाएगा, जबकि यहाँ पर प्रति, तो प्रति आपका उपसर्ग निकल रहा है, तो प्रति धन कर, तो प्रति हमारा उपसर्ग है, यानी कहीं ना कहीं इसका संधि विच्छेद हो रहा है और कहीं ना कहीं ये शब्द का अर्थ भी हमारा उपसर्ग के रूप में आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ही शब्द लेते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है कि जो अर्थ तीसरे पर डाल दे, जिसकी ऐसी व्याख्या हो जो बहुब्री समास के तरीके से हो। आकाश आप कहोगे सर नहीं होगा, बालक आप कहोगे सर है ही नहीं, परोपकार भाई बालक को क्या हम ऐसी कोई अर्थ है जो हम डाल दें तीसरे पर, नहीं, आकाश का भी कोई सर अर्थ नहीं है, ऐसा है जो आकाश कुछ नहीं निकल रहा, परोपकार ऐसा है जो परोपकारी कोई है नहीं है, लेकिन पंकज जो है पंकज का क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने ए बी ऐसे लिखे हैं, सी ऐसे लिखे हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा यूपी टेट मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमारा टारगेट है 1000 प्रश्न जो है चुनिंदा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी चीज़, 1000 के पहले मैं पूरे टॉपिक चला रहा हूँ जो पूरे सिलेबस में है, बेसिक से लेकर तीन चार पार्ट में चला रहा हूँ, वो भी करिए, साथ में 1000 क्वेश्चंस लगाइएगा और जाइएगा एग्ज़ाम होके। मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? यूपी टेट में रोज़ आपका टेस्ट होता है 30-30 प्रश्नों का, हिंदी पर्यावरण का, ठीक है। आप जो है यहाँ पर रोजाना पासिंग मार्क तरीके से टेस्ट होता है, वही टेस्ट होता है जो आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चंस की संभावना है। एक बार नीचे लिंक दे दूंगा, खोल के देखिएगा, ओपन करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा हमने पर्यावरण आपको पढ़ाया है, कैसी हिंदी पढ़ाई है, कैसा मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप हर सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट जो आपको चाहिए
वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी एक सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के हम आभारी हैं और हमें आपका सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारा लगाव आपके हृदय से है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, यूं ही मुकाम पाते रहिए।